नमस्कार दोस्तों, अगर सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और वो कौन सा उपाय है तो बताएंगे आगे, और बताएंगे पूरी विधि कि सोमवार को आपको क्या करना है। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे और भी जानकारी मिलती रहे आपको बराबर, और नई नई जानकारियों का आप फायदा भी लेते रहें। दोस्तों सावन का मास एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान शिव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। कावड़ भी लाते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन का होता है। आप जहाँ वही देखते हैं चारों ओर आपको हरियाली हरियाली नज़र आती है, और हरियाली की वजह से ही श्रावण मास में प्रसिद्ध है। जो वातावरण होता है वो एकदम साफ, और जो हरी चीज़ है या हरियाली है भगवान शिव को बहुत प्यारी है, यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी प्यारी होती है। इसलिए श्रावण मास में अगर मंदिर पर शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप सोमवार को, सावन महीने के किसी भी सोमवार को, सिर्फ एक सोमवार को अगर किसी शमी के पौधे पर, शमी का पेड़ जानते हैं दोस्तों, कुछ लोग गमलों में भी लगाते हैं, गार्डन में भी लगाते हैं, तो शमी के पेड़ पर अगर दो जोड़ी चूड़ियाँ चढ़ा दें तो आपको मन चाहा फल मिलता है। यहाँ तक कह सकते हैं दोस्तों शमी का पौधा एक पूजा की दृष्टि में योग्य पौधा होता है, जिसके स्पर्श मात्र से सावन के महीने में आपके अनेकों कारण पूर्ण होते हैं। मनोकामना पूर्ण करने वाला शमी का पौधा होता है। कुछ लोग गमलों में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, बगीचों में लगाते हैं, पर यह बहुत ही पूजनीय पौधा माना जाता है। इसके स्पर्श मात्र से सावन के महीने में हमारे सभी दुखों का नाश होता है, और ये भगवान शिव का भी प्रिय पौधा है। तो शमी के पौधे पर अगर आप दो चूड़ी किसी भी सोमवार के दिन चढ़ा देते हैं तो भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाली ये उपाय है, शमी के पौधे पर दो जोड़ी चूड़ियाँ। लेकिन आप किसी एक ही सोमवार को कर लें दोस्तों, उतना ही काफ़ी है। इससे ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। शेष तो आप जानते हैं कि शिव जी की पूजा करना, हर सोमवार को व्रत रहना, ज़्यादातर महिलाएं सभी तरह की पूजा करती हैं, हर सोमवार को व्रत भी रहती हैं, और श्रावण मास इतना शुभ महीना होता है कि शिव जी की पूजा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना आपकी पूर्ण होती हैं। तो इसी प्रकार से आप शिवलिंग पर दूध भी चढ़ा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, और दोस्तों ये दो जोड़ी चूड़ी शमी को चढ़ाना न भूलें, जिससे कि आपको अनेकों प्रकार के लाभ मिल सकें और जीवन में आप धन दान से परिपूर्ण बने रहें। आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या व्यवधान है, वो सारी चीज़ें दूर होकर के भगवान शिव की आपके ऊपर अपार कृपा होती है, जो कि जीवन में कभी आप कष्टों का सामना नहीं कर सकते। अगर ये सावन महीने में आपने शिव जी की पूजा की, उनका ध्यान किया, उनका मनन किया, और दो जोड़ी चूड़ी अगर आपने शमी के पौधे पर चढ़ाई और उनका पूजन किया, तो आपको अनेकों लाभ मिलेंगे, जो कि जीवन में आपको खुशहाल करके रख देंगे, हर इच्छा को पूरी करते हैं। हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।